मैं जरा इस वीडियो को शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे ताकि बाकी लोग भी जुड़े। यस, सब लोग आ जाएं जरा लाइव और कमेंट करके बता दें कि आप लोग लाइव हैं। कमेंट इसमें तो नज़र नहीं आएंगे मेरे को, मैं अपना दूसरा जो गिफ्ट में मेरे को मिला हुआ है फ़ोन वो खोल लेता हूँ, है ना। यस, तो सब लोग ज़रा कमेंट करके बता दें कि क्या आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, और भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो कॉमेंट करके बता दें। बट इस वीडियो में मैं कमेंट ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है और इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप समझ सकते हो मैं अभी तक अपने स्टूडियो में बैठा हूँ। पीछे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ इस टाइम तक रात को इतने बजे तक, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको देनी भी थी और उसी से रिलेटेड हम कुछ काम भी कर रहे थे। ठीक है, तो मैं ज़रा यहाँ पे कमेंट खोलूँ आपके। यस, दिख रहे हैं कमेंट, बिल्कुल। गुड इवनिंग सभी को। अब सुनो ध्यान से, जैसा कि मैंने बताया मैं इस वीडियो में कमेंट बहुत कम लूँगा, मैं ज़रा इसको आगे कर लूँ। यस, हाँ जी, तो मैं इस वीडियो में कमेंट बहुत कम लूँगा, कमेंट बाद में आपके देख लूँगा मैं जो आए होंगे। पहली चीज़, केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ का क्या अपडेट है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी अफवाहें केंद्रीय विद्यालय को लेकर बहुत टाइम से उड़ रही हैं। आप एज अ स्टूडेंट एक तरह से ना तपस्या कर रहे थे, तपस्या इस सेंस में कि आप लोगों ने इतनी मेहनत कर ली है उस टाइम में, आप लोगों ने धोखे भी खाए हैं उस टाइम में, है ना, अपनी प्रिपरेशन के दौरान। बट ये तपस्या अब आपकी सफल होने वाली है। केंद्रीय विद्यालय का एडवर्टीजमेंट आने का प्रोसेस अपने लास्ट स्टेज पे है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट स्टेज पे है। पिछले एक महीने से हर रोज़ हेडक्वार्टर से फाइल मिनिस्ट्री तक जा रही है, हर रोज़ मिनिस्ट्री और जो हेडक्वार्टर के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है। मैक्सिमम पॉइंट पे कंसेंसस बन गया है, सिर्फ 3 पॉइंट्स पे अटका हुआ है। वो 3 पॉइंट्स अगर इस हफ्ते तक क्लियर हो गए, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस हफ्ते तक क्लियर हो गए तो या तो नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल सकता है। बट एक और बात मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे आपको कोई डेट नहीं दूंगा कि 15 मार्च को वैकेंसी आ रही है या 13 जुलाई को वैकेंसी आ रही है, क्योंकि मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर्स होते हैं या जो IAS ऑफिसर होते हैं उनके पास सिर्फ एक काम नहीं है KVS की वैकेंसीज निकालना, उनके पास हजारों में काम होते हैं और कभी कभी उनको साइट पे विजिट करना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि इस वीक या नेक्स्ट वीक वो किसी ना किसी वजह से चले जाएं और जो फाइनल 3 पॉइंट पे जो डिस्कशन चल रहा है, जो कि अभी रुके हुए हैं जिनकी वजह से एडवर्टीजमेंट रुका हुआ है, उस पर डिस्कशन थोड़ा लंबा खिंच जाए। तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, बट फाइनल स्टेज पे है एडवर्टीजमेंट। आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया, या आपको अगर आलस आ रहा है कि यार एडवर्टीजमेंट तो आ नहीं रहा हम क्या पढ़ें, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी सिंसियर स्टूडेंट का सिलेक्शन ना हो, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का लास्ट डिस्कशन चल रहा है और जैसे ही वो डिस्कशन पे भी कंसेंसस बन जाएगा, विद इन अ वीक और 10 डेज आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ लोग जो कि पहले बोल रहे थे वैकेंसीज आने वाली है, बाद में बोल रहे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि बजट पास नहीं हो रहा। मैं आपको एक और बात बता दूं, बजट केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट का फरवरी में पास हो चुका है, फरवरी फर्स्ट वीक में बजट पास हो चुका है, वैकेंसीज के बारे में सब कुछ हो चुका है। 3 पॉइंट जिन पे थोड़ा सा इशू बचा हुआ, मतलब इशू चल रहा है, वो भी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना एक महीने से रेगुलरली मीटिंग्स चल रही हैं KVS के ऑफिशियल और मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के बीच में। जैसे ही सब कुछ फाइनल होता है एडवर्टीजमेंट 1 हफ्ते 10 दिन में वो निकाल देंगे, और मतलब सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं चल रहा है, कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से एडवर्टीजमेंट रुके। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रुक सकता है कि मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो IAS ऑफिसर हैं, उनको अगर किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो थोड़ी सी टाइम लग जाएगा, थोड़े से का मतलब 1 महीना है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हाँ, कोई बहुत बड़ा इशू हो जाए, मान लीजिए मोदी जी का मन करे कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर चेंज कर देता हूँ फिर से, तो मामला अटक सकता है, अदरवाइज नहीं अटकेगा। तो कोई मतलब एज सच कोई बहुत बड़ा ब्लॉकेज नहीं है प्रेजेंट टाइम में कि वैकेंसीज अटकेंगी। DBBB की वैकेंसीज ना इसी वजह से अटकी हुई है क्योंकि बार बार DBBB का चेयरमैन चेंज होता जा रहा है, तो जो भी चेयरमैन नया आता है वो ऐसा नहीं कि आते ही सबसे पहले वैकेंसीज निकाल देता है, वो सारी चीज़ों को समझता है कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो DBBB का एडवर्टीजमेंट रुकने के यही चांसेस है कि बार बार उनका चेयरमैन चेंज हो रहा है। KVS में ऐसा नहीं हो रहा है, KVS का जो हाईएस्ट बॉडी होती है कमिश्नर, वो चेंज नहीं हो रहे हैं रीसेंट टाइम में। एजुकेशन मिनिस्टर के भी चेंज होने का चांस नहीं है, उनके अंडर जो उनके PA और IAS ऑफिसर है उनके भी चेंज होने का चांस नहीं है। तो वैकेंसीज का जो एडवर्टीजमेंट का फाइनल काम है, वो जो काम चल रहा है वो फाइनल स्टेज पे है। यू कैन सी वैकेंसी, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, यू कैन सी वैकेंसीज
चाहे वो एक हफ्ते में आ जाए चाहे वो एक महीने में आ जाए, बट जल्दी ही आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। एग्जैक्ट डेट ना तो मेरे को पता है ना अभी केवी में हेडक्वार्टर को पता है, क्योंकि सब कुछ चीज़ें फाइनल नहीं होंगी। और अगर उनको पता भी चल जाएंगी ना, ध्यान से सुनिए, तो वो ऐसा नहीं है कि मेरे को दो महीने पहले बता देंगे कि जाओ अपने टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे डाल दो कि वैकेंसीज इस डेट को आ रही हैं। मैं कोई केंद्रीय विद्यालय वालों का दामाद नहीं बैठा हूँ, केंद्रीय विद्यालयों के दामाद जो अलग लेवल पे हैं वो तो आपको पता ही है, जो कि हेडक्वार्टर में चाय पी के आते हैं। मेरे को कोई नहीं बुलाता हेडक्वार्टर में चाय पीने के लिए, ठीक है? तो मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता क्योंकि एग्जैक्ट डेट मेरे को पता नहीं है, ना मेरे को एग्जैक्ट डेट कोई बताएगा। हर बार मेरे को बस इतना ही पता चलता है कि अच्छा इसके आसपास आने वाला है, और यही DRRB में हुआ था। मैंने आपको एक हफ्ते पहले बता दिया था कि एक हफ्ते के अंदर आपको डेट्स दिख जाएंगी। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में भी मेरे को एक हफ्ते का टाइम दिया गया था, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई थी। केंद्रीय विद्यालय में भी मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जाएगी। मैं किसी का दामाद नहीं हूँ, मतलब ठीक है मैं फौज का दामाद हूँ बट मैं केंद्रीय विद्यालय का दामाद नहीं हूँ, ठीक है? तो केंद्रीय विद्यालय के लिए जो लोग सीरियस हैं प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं जानता हूँ मोटिवेशन नहीं है क्योंकि वैकेंसीज नहीं आई, मैं जानता हूँ गर्मी बहुत हो रही है ना, और गर्मी का भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी माइंडसेट के ऊपर, मैं जानता हूँ। बट मैं सिर्फ तभी आके बोलता हूँ, मैंने पिछले 3 साल से आज तक कभी आके नहीं बोला कि वैकेंसीज आने वाली है, नहीं बोला क्योंकि वैकेंसीज नहीं आने वाली थी। और लोगों ने बोला और लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया, आप लोगों के इमोशंस का फ़ायदा उठाया और आप में से काफ़ी लोगों ने कोर्स खरीदे। अब दूसरी चीज़, वैकेंसीज आने वाली हैं तो हम स्टूडेंट्स के लिए क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोर्स जिन लोगों ने हमारा ले रखा है ध्यान से सुनिएगा, और जिन लोगों ने नहीं ले रखा है वो भी, 3 जुलाई से हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और वो टेस्ट सीरीज ध्यान से सुनिए हर उस स्टूडेंट के लिए फ्री है जिसने हमारा कोर्स ले रखा है, ठीक है? ऑनलाइन होगी टेस्ट सीरीज, संडे संडे टेस्ट आया करेंगे, हर हफ्ते एक टेस्ट आएगा, मतलब हर संडे एक टेस्ट आएगा। 3 जुलाई को संडे और 3 जुलाई को मेरा बर्थडे भी है, तो 3 जुलाई का बाई चांस मैच हो गया। बट द पॉइंट इज, ये मैं सिर्फ इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट कंफर्मेशन आ गया है कि वैकेंसीज का काम फाइनल स्टेज पे है, एडवर्टीजमेंट कभी भी आ सकता है। अगर एडवर्टीजमेंट लेट आ रहा हो तो मैं नहीं स्टार्ट करता। और दूसरा, टेस्ट सीरीज फ्री है ना, मैं इससे पैसे थोड़ी कमा रहा हूँ, तो मैं इसको जल्दी क्यों स्टार्ट करूंगा? बट क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन कर ली है, अब वो फाइनल अपनी रिविजन करना चाहते हैं, तो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि डेट्स कभी भी आ सकती हैं एग्जाम की। 3 जुलाई से डेट पहला आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, हर संडे को टेस्ट आया करेगा। एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर तक पेपर हो जाएगा, तो लगभग 25 संडे पड़ेंगे, लगभग 25, तो हम 25 टेस्ट की तो गारंटी ले रहे हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेना चाहे तो आप, 25 टेस्ट की मैं यहाँ पे बैठ के गारंटी ले रहा हूँ कि मैं आपको मिनिमम 25 टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। अगर पेपर थोड़ा सा लेट होता है, पोस्टपोन होता है, तो टेस्ट सीरीज हमारी चलती रहेगी, हर संडे एक टेस्ट आता रहेगा। मैक्सिमम हम 50 टेस्ट तक भी ले जा सकते हैं, मेरे पास इतने भी क्वेश्चन है कि मैं 50 टेस्ट भी दे सकता हूँ। आपको पता है कि कौन सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज चलाता है, 2 ही लोग हैं, एक टेस्ट बुक और एक प्रतीक शिवालिक, है ना? तो टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है, हर उस स्टूडेंट के लिए फ्री है जिसने हमारा कोर्स ले रखा है। एक और चीज़, जिसने KVS का कोर्स नहीं ले रखा उसमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। जिन लोगों ने आज से दो साल पहले भी हमसे कोई कोर्स लिया था जो 6,000 रुपये या उससे ज़्यादा वैल्यू का था, बट उनके कोर्स की वैलिडिटी तो खत्म हो चुकी होगी, उनके लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। तो आप लोग जिन्होंने कभी बहुत पहले हमारा कोर्स खरीदा था और आपकी कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो गई, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम उनको भी ये टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो आप लोग सारे बिल्कुल अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको बिल्कुल फाइनल ट्रैक पे ले आइए, वैकेंसीज आने वाली हैं। दूसरी चीज, वैकेंसीज की फाइनल जो डंके की चोट पे हमें इस बार सिलेक्शन लेना है ना, तो उसके लिए हम अपनी टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं, हर उस स्टूडेंट के लिए फ्री है जिसने हमारा कोर्स ले रखा है। दूसरी चीज, उन स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री है जिन्होंने आज से 2 साल पहले भी हमारा कभी कोर्स लिया था, बट कंडीशन ये है कि वो 6,000 रुपये से ज़्यादा वैल्यू का कोर्स होना चाहिए। मतलब अगर आपने 500,000 रुपये का कोर्स लिया था उसके लिए नहीं है। और ऐसी केंद्रीय विद्यालय में भी जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे कोर्स ले रखा है, जब तक उनकी सारी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं हो जाती तब तक हम उनको ये टेस्ट सीरीज नहीं दे पाएंगे। बट जिनकी सारी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो चुकी हैं या जिन्होंने एक ही बार में कंबाइंड 1 साल का कोर्स लिया हुआ है, जो भी वैलिडिटी है, फुल मतलब 1 टाइम पेमेंट करके कोर्स लिया हुआ है, उनके लिए भी टेस्ट सीरीज फ्री है, किसी को कोई पैसा नहीं देना। एक्सटर्नल स्टूडेंट जो ना तो जिन्होंने हमारा कोर्स लिया हुआ है, ना उन्होंने हमसे कभी कोई और कोर्स लिया था 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले, उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री नहीं रहेगी। उनको हम देखेंगे कि कैसे देना है, उसका हम प्राइस वगैरह डिसाइड कर लेंगे, बट फाइनल रिवीजन के लिए हम तो तैयार हो गए हैं, अब आप लोग भी तैयार हो जाइए। पिछले 1 महीने से फाइल रोज जा रही है मिनिस्ट्री में फाइनल अप्रूवल के लिए, हर रोज कुछ ना कुछ पॉइंट पे डिस्कशन होके वो पॉइंट चेक हो जाता है कि हाँ ये ठीक है, बाकी डिस्कशन कल होगा। क्योंकि मिनिस्ट्री खाली नहीं बैठी है KVS की वैकेंसीज के लिए, वो उनको मुश्किल से आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं रोज कि आप इस टाइम से इस टाइम हमारे साथ डिस्कशन कर लीजिए।
तो फाइनल स्टेज पे है एडवर्टीजमेंट, आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। और अगर ये इसी हफ्ते जो 3 पॉइंट अटके हुए हैं वो फाइनल हो गए तो आपको नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक भी देखने को मिल सकता है एडवर्टीजमेंट। प्लीज रेडी हो जाइए अगर आप अब तक लेजी मतलब होके पड़े हुए हो। और बहुत सीरियसली मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए मैंने बताया ना कि मैं अभी तक अपने ऑफिस में बैठा हूँ। आप देख सकते हैं मैं अभी पीछे वाइट बोर्ड है, तो मैं अभी तक अपने ऑफिस में बैठा हूँ क्योंकि हम टेस्ट सीरीज पे ही काम कर रहे थे, ठीक है। और वो मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए फ्री है टेस्ट सीरीज, जिन्होंने हमसे या तो KBS का कोर्स ले रखा है या कोई भी और कोर्स ले रखा है जो 6,000 या उससे ज्यादा वैल्यू का है, चाहे वो आपने 2 साल पहले लिया हो, आपको अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम टेस्ट सीरीज देंगे और हमारी टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी जैसा कि रियल पेपर आएगा। बट उससे पहले आप सारी वीडियोस देख लीजिए कोर्स की, आप जो चैप्टर टेस्ट हमने दे रखे हैं वो सारे कर लीजिए ताकि आप तैयार रहें फाइनल टेस्ट के लिए। और एक बात और बता देता हूँ, हमारे टेस्ट ईजी नहीं होते हैं। जिन लोगों ने मेरी DSSB की टेस्ट सीरीज दी हुई है उनको पता है DSSB का पेपर तो डिफिकल्ट होता ही है, उससे भी डिफिकल्ट हमारी टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है। हम वो बहुत आसान सी टेस्ट सीरीज नहीं बनाते हैं कि आप हमारी टेस्ट सीरीज में यूं 100 नंबर ले आओगे, ऐसी टेस्ट सीरीज हमारी नहीं होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सभी लोग पहले सारी वीडियोस देख लें, नोट्स को रिवाइज कर लें, चैप्टर टेस्ट को कर लें और उसके बाद ही फाइनल टेस्ट के लिए तैयार होकर बैठ जाएं। हर संडे टेस्ट हुआ करेगा, हर संडे 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आप लोगों की जो इतने टाइम से तपस्या चल रही है, इतने टाइम से जो भगवान आपकी परीक्षा ले रहा था आपके पेशेंस की, वो अब पूरी होने वाली है, ठीक है। अब मैं जरा कमेंट्स देख लेता हूँ, पहले जो मेरे को मैसेज कम्युनिकेट करना था वो मैंने कर दिया है, तो मैं देख लेता हूँ आप लोगों में से क्या। अरे बाप रे, बहुत सारे कमेंट्स आ गए यार, इतनी स्पीड से कमेंट मत करा करो, मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा ना इतनी स्पीड से। आप कमेंट करते हो, कैसे पढ़ूंगा मैं इतनी स्पीड से कमेंट। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज का चांस नहीं है, देखो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, जबकि मेरे पास कोर्स है स्पेशल एजुकेशन टीचर का, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज का चांस नहीं है, ठीक है। सर आप भी जाओ संदीप महेश्वरी सर के सेशन में। संदीप महेश्वरी जी के सेशन में मैं कैसे जाऊँ, मतलब आप बताओ, मतलब वो मेरे को इनवाइट करेंगे तभी तो मैं जाऊँगा ना, मैं ऐसे तो नहीं कि मुँह उठा के पहुँच जाऊँ। आप उनको वो बता दीजिए, अगर आप लोग संदीप महेश्वरी जी को फॉलो करते हैं तो आप लोग उनको बता दीजिए कि प्रतीक सर को भी बुला लो एक बार, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है जाने में, बट मेरे को कोई बुलाएगा तभी तो मैं जाऊँगा, ऐसे तो नहीं होता ना कि मैं मुँह उठा के चला जाऊँ, ठीक है। फौज का दामाद कैसे, समझ जाइए कि मेरे ससुराल वाले कौन है, फौज का दामाद ऐसे ही होते हैं। हाँ जी, मैथ्स की सीरीज, यस बिल्कुल सही क्वेश्चन, मैथ्स की सीरीज मंडे से स्टार्ट हो रही है, जो प्रॉमिस किया था हम पूरा करेंगे। जिन लोगों का मैथ्स बिल्कुल जीरो है, ध्यान से सुनिए, वो लोग ये मैथ्स सीरीज को जरूर देखें। मैं इतना बेसिक कराऊंगा, यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं कराया वो बेसिक, वो उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनका मैथ्स बिल्कुल जीरो है, मंडे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं, मंडे से मैथ्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल जीरो जिनका मैथ्स है उनके लिए, बाकी देख कोई नहीं सकता, हम बगा थोड़ी देंगे आपको, आप देख सकते हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो क्या बुरा है ना, आप स्पीड बढ़ा के देखना, ये तो कोई कभी प्रॉब्लम है ही नहीं। हम तो हमेशा ही कहते हैं कि आप स्पीड बढ़ा के देखो हमारी वीडियो ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। भगवान ने सुन ली, अब बात भगवान के सुनने की नहीं, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ना, मैंने जैसे कि बताया मिनिस्ट्री के पास KVS हेडक्वार्टर के पास टाइम नहीं है, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स टू डू, है ना। तो मिनिस्ट्री भी KVS के हेडक्वार्टर से जो ऑफिशियल आ रहे हैं उनको हर रोज सिर्फ आधे घंटे का विंडो दे रही है कि आधे घंटे हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी टाइम वो और काम में बिजी रहते हैं, तो वो आधे घंटे में हर रोज थोड़ा थोड़ा डिस्कशन चल रहा है। एक महीने से ये चीज़ चल रही है, फाइनल स्टेज पे चीज़ पहुंच गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 3 पॉइंट पे डिस्कशन होके कंक्लूजन निकाल के फाइनल उनको टिक करना या क्रॉस करना बाकी है, और जैसे ही वो हो जाएगा एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, मतलब बाकी सब हो रखा है, एडवर्टीजमेंट का एक वर्ड डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार कर रखा है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उसको बस पब्लिश करना है। तो ये लोग एक हफ्ते के अंदर दे देंगे, बस वो 3 पॉइंट फाइनल हो जाए। अगर वो 3 की बजाय 30 पॉइंट होते तब मैं आपको आके ये वीडियो नहीं बना रहा होता। सिर्फ अटकने का कब है, मैंने आपको ये भी बता दिया कब अटकेगा, LDE नहीं आ रहा, LDE का भी यहीं पे एक पॉइंट तो देखो यही है, LDE करें या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करें, सच बताऊं तो मैं आपको अंदर का 3 पॉइंट क्या है वो नहीं बता रहा, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाओगे, आप लोग अंदर नहीं हो डिपार्टमेंट के। बट द पॉइंट इज डिस्कशन फाइनल स्टेज पे है, रुकने का सिर्फ एक या दो रीज़न यही हो सकते हैं कि जो मेन बंदे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं उनका या तो ट्रांसफर हो जाए, या जैसे मैंने बताया ना मोदी जी एजुकेशन मिनिस्टर बदल दें अचानक से, या केंद्रीय विद्यालय का जो कमिश्नर है या डेप्यूटी कमिश्नर जो इसको हैंडल कर रहे हैं उनका ट्रांसफर हो जाए या वो कहीं और शिफ्ट हो जाए, है ना, तभी चीज़ें रुक सकती हैं, अदरवाइज कोई और रीज़न नहीं है रुकने का। बजट फरवरी में सेंक्शन हो गया था, वैकेंसीज कितनी है वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो रखी हैं, सब कुछ है, बस 3 पॉइंट पे डिस्कशन होके फाइनलाइज होना बाकी है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, जितने एस्पिरेंट हैं देखो सारे तैयारी पे जुट जाओ, मैं आपको, मैं 3 साल से बोल रहा था वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, क्योंकि नहीं आ रही थी,
अब जब फाइनल सब कुछ फाइनल हो गया है, सिर्फ 3 पॉइंट बचे हैं, तो मतलब वैकेंसीज का काम ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे है, वैकेंसीज कभी भी आ सकती हैं, इसलिए मैं आके वीडियो बना रहा हूँ। और इसलिए मैं अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं कर रहा था इतने टाइम से, बट मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब तो भाई स्टूडेंट ने प्रिपरेशन भी कर ली, वैकेंसीज भी आने वाली, और हम चाहते हैं स्टूडेंट को मैक्सिमम टेस्ट करवाएं। मुझे भी पता है कोई नहीं देगा 25 टेस्ट, मुझे पता है क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज चलाता हूँ, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, और मुझे पता है कोई नहीं देता। इवन टेस्ट बुक वाले भी फुल लेंथ नहीं बनाते हैं ज़्यादा, वो चैप्टर वाइज बनाते हैं। तो जो लोग मेरी टेस्ट सीरीज करने आ रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा, पहले आप अगर आपने टेस्ट बुक का पास ले रखा है तो आप टेस्ट बुक से चैप्टर वाइज कर लो। अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है तो हमने कोर्स में भी चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हैं ना, आप वो कर लो, फिर आप हमारी टेस्ट सीरीज को आओ। क्योंकि टेस्ट सीरीज हमारी ईजी नहीं होगी, हमारी टेस्ट सीरीज में जो लोग अलग अलग वो जो आसान आसान सी टेस्ट सीरीज में जो टॉपर है ना, मैं उनको सलाह दूंगा आप हमारी टेस्ट सीरीज करना, आपको आपका एक्चुअल लेवल पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज ईजी नहीं होती, ठीक है। चलिए तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मैंने दे दी, और अपनी तरफ से हमने जितनी इन्फॉर्मेशन हम जुटा सकते थे वो जुटाई, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वैकेंसीज के वो 3 पॉइंट फाइनल होते ही कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। डेट नहीं पता, क्योंकि डेट पता नहीं चलेगी, और डेट तो मेरे को वैसे भी कभी पता नहीं चलती, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर आने वाला है ना, तो जैसे ही मेरे को वो इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको वो भी बताऊंगा। हो सकता है वो मेरे को ना भी पता चले इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 3 पॉइंट ही तो बचे हैं, हो सकता है एक्चुअली में नेक्स्ट वीक एडवर्टीजमेंट आ जाए, नहीं भी आएगा तो 1 महीने लेट हो जाएगा। हाँ, अगर कोई बड़ा इशू हो जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर ही चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा और लेट हो सकती है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है वैकेंसीज के अब रुकने का, ठीक है। चलिए, दिसंबर से पहले पेपर हो जाएगा, दिसंबर तक या जनवरी के स्टार्टिंग तक पेपर हो जाएगा, टाइम आपके पास कम है। और जो लोग एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तैयारी कर रहे हैं उनको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, या जो लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, कोई अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं है, कोई अलग से कोर्स की जरूरत नहीं है। केवीएस और एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी मैक्सिमम चीजें सिमिलर हैं, 99% सिमिलैरिटी है सिलेबस में। हाँ, डी ट्रिपल एस बी की नहीं आएंगी अभी रिसेंट टाइम में वैकेंसीज, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी के चेयरमैन को बार बार चेंज किया जा रहा है, जो भी नया चेयरमैन आता है वो चीज़ों को समझता है पहले कि क्या चल रहा है ना, उसके बाद ही वो एडवर्टीजमेंट रिलीज करते हैं। तो डी ट्रिपल एस बी में अभी टाइम लगेगा, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, जबकि मेरा डी ट्रिपल एस बी का कोर्स है ना, प्राइमरी टीचर का भी है, नर्सरी टीचर का भी है, स्पेशल एजुकेशन टीचर का भी है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसीज अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उनमें 3 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा भी लग सकता है, बट इससे पहले आने के चांस बन नहीं रहे हैं। तो आप लोग अभी सारे लोग केवीएस पे फोकस करें, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी पे फोकस करें, या आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं अगर उस स्टेट में वैकेंसी आ रही है टीचर की, तो आप उस पे फोकस करें, बट पढ़ लो भाई। मैं नहीं चाहता कि किसी भी अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन ना हो, आप सब जो अच्छे स्टूडेंट हैं जो कि सिलेक्शन लेने के काबिल हैं उन सबका सिलेक्शन हो, फिर हम एक मीटअप करेंगे, है ना, अच्छी सी मीटअप करेंगे सिलेक्शन लेने के बाद। जैसे अभी कुछ लोगों की मैंने फोटो शेयर करी है टेलीग्राम पे, आप लोगों ने देखी होंगी, नहीं देखिए जिन लोगों ने, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप देखिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा उन लोगों से जिन्होंने फेलियर भी फेस किया और बाद में सक्सेस मिली। और ऐसे मेरे पास और भी लोग हैं, बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है डालने का, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो डालने का, उसकी एडिट करनी है ना वीडियो मीटअप की, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई हैं जो हम पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, बट आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए, मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा, ठीक है। हाँ जी, तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। पैटर्न में कोई चेंज नहीं लग रहा है, बस टीजीटी में सब्जेक्ट होने ऐड होने के चांस है, अदरवाइज एनटीटी की वैकेंसीज नहीं दिख रही है, एनटीटी और स्पेशल एजुकेशन नहीं है चांस, सच बता रहा हूँ नहीं है, जबकि मेरे पास इन दोनों सब्जेक्ट के कोर्सेज हैं, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि इनका चांस केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी लाने का काफ़ी कम है, मतलब सिर्फ 1% चांस है नहीं आएंगी वैकेंसी की, ठीक है। आप तो कह रहे थे नवंबर दिसंबर में होगी, नवंबर दिसंबर तक तो पेपर हो जाएगा भाई, वैकेंसीज तो अभी आ जाएंगी, नवंबर दिसंबर तक तो पेपर हो जाएगा, आप पेपर की तैयारी करो, ठीक है। चलिए, पैटर्न चेंज होने के चांस नहीं है, सिर्फ टीजीटी में जहां पे सब्जेक्ट नहीं आ रहा था वहां पे सब्जेक्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है। अभी जो कोर्स लेगा उसको फ्री में, जिन्होंने पहले 1 साल पहले कोर्स लिया था उनको भी टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी, जो आज कोर्स लेंगे टेस्ट सीरीज उनको भी फ्री में मिलेगी। टेस्ट सीरीज तो हर केवीएस के हमारे स्टूडेंट के लिए फ्री है, उसको कुछ भी पे नहीं करना है, 25 के 25 टेस्ट फ्री हैं, और 25 से ज़्यादा भी आ सकते हैं अगर पेपर लेट हुआ तो, ठीक है। और जिन लोगों ने हमसे पहले कभी कोर्स लिया था, पहले डी ट्रिपल एस बी का लिया था, स्पेशल एजुकेशन का लिया था, कोई भी कोर्स लिया था, बशर्ते वो 6,000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू का था, उनके लिए भी टेस्ट सीरीज केवीएस की फ्री रहेगी। ऑब्वियसली अगर आपने एक कोर्स हमसे ले लिया तो आप दूसरा नहीं लोगे ना, तो बट टेस्ट सीरीज तो हम आपको फ्री दे ही सकते हैं, तो हर स्टूडेंट के लिए, हमारे ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी, ठीक है।
बाकी जो एक्सटर्नल स्टूडेंट है उनके लिए हम देखेंगे कि टेस्ट सीरीज की क्या फीस रखें, अभी हमने डिसाइड नहीं किया, वो हम जुलाई के फर्स्ट वीक में जब टेस्ट सीरीज रिलीज करेंगे तब डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलिए तो खत्म करते हैं, आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलेगी। एग्जैक्ट डेट मेरे को नहीं पता है वरना मैं जरूर बताता हूँ, मेरे को खैर एग्जैक्ट डेट कभी पता चलेगी भी नहीं, उसका रीजन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए पढ़ाई पे फोकस करिए, मुझे पता है आज बहुत लोगों की रात की नींद उड़ जाएगी, बट ये नींद उड़ाना जरूरी था, आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई में लग जाना चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। अगर आप नॉन सीरियस स्टूडेंट हो कोई बात नहीं, बट अगर आप मिसगाइडेड स्टूडेंट हो तो प्लीज सही गाइडेंस ले लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे आगे की वीडियोस में, और मंडे से मैथ्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है, 3 जुलाई से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट सभी को, एंड बाय बाय, गुड नाइट, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और जितने अच्छे स्टूडेंट हैं आप में से सबका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसीज लगभग हजारों में है, सिर्फ प्राइमरी टीचर की ही लगभग 5000 वैकेंसी हो, सॉरी एग्जैक्ट नंबर तो मेरे को भी नहीं पता है, बट लगभग 5000 वैकेंसी सिर्फ प्राइमरी टीचर की है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट, ठीक है।